सब्सक्राइब कीजिए ऑटोमोटिव चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Hyundai Venue Facelift 2020 की, जो बताया जा रहा है दोस्तों कि 2020 के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकती है। अगर बात करें तो यहाँ आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे डिज़ाइन में, आपको नया ग्रिल देखने को मिलेगा जिसमें आपको क्रोम स्लेटेड डिज़ाइन देखने को मिलेगा और थोड़ा मर्सिडीज जैसा ग्रिल देखने को मिल रहा है। Hyundai का सिग्नेचर ग्रिल है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्रोम बॉर्डरिंग भी देखने को मिल रहा है। बाकी LED हेडलैम्प्स वगैरह आपको पहले के जैसे देखने को मिलेंगे और नीचे में दोस्तों आपको थोड़ा सा अलग डिज़ाइन देखने को मिल जा रहा है। साइड से अगर देखें दोस्तों, साइड से लुक लगभग सिमिलर है। यहाँ आपको दोस्तों टॉप एंड वेरिएंट में क्रोम डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे और नीचे में आपको ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिलेगा स्पोर्टियर लुक के। टायर्स आपको दोस्तों दो कॉन्फ़िगरेशन में डुअल टोन्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी अच्छा लगेगा। पीछे से कोई चेंज नहीं है दोस्तों, LED टेल लैंप्स वगैरह आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे, लेकिन नीचे में दोस्तों स्पोर्टियर डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। डुअल टोन कलर्स में दोस्तों ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, ब्लैक विथ रेड, ब्लैक विथ ग्रीन जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आपको नया 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, रियर एसी वेंट, आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा फ्रंट और रियर में। तो ओवरऑल डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है, तो स्पेस नहीं बढ़ने वाली है दोस्तों, जो हम आपको पहले ही बता दें। बाकी आपको जो है फीचर्स वगैरह आपको कनेक्टिविटी ब्लू लिंक की देखने को मिल जाएगी और माना जा रहा है कि सेकेंड टॉप मॉडल से ही आपको देखने को मिल जाएगी, जो पहले नहीं थी, जो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी जोर से देखने को मिल जाएगा। तो यही है दोस्तों, अगर जैसे लॉन्च होती है हम आपको बताते हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें तो बताया जा रहा है कि 20 से लेकर 50,000 तक हर एक वेरियंट की प्राइसिंग बढ़ सकती है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।